हाय एवरीवन आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू ऑफ द मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स पोर्शन ऑफ सी यू टी पी पार्ट ए एक्चुअल पेपर जैसा कि मैंने पार्ट ये पार्ट टू है उसका जैसे मैंने पार्ट वन में डिस्कस करा था कि जो सी यू टी का पेपर है फॉर एम एडमिशन टू एम सी वेरियस गुड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल देंट्रल यूनिवर्सिटीज दो पार्ट होते हैं उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी लॉजिक पार्ट ए में भी आता है और पार्ट बी जो मैथमेटिक्स का स्पेसिफिक सिलेबस है मैथमेटिक्स कम्प्यूटर्स एंड लॉजिक उसमें भी मैंशनड है तो दोनों ही पार्ट्स में लॉजिक रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ हमने बना रखी है पार्ट वन में ऑलरेडी कर चुका हूँ पार्ट टू में कर रहा हूँ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पोर्शन और मैंडेटरी पोर्शन है कंपलसरी पोर्शन है इस एग्जामिनेशन का और सी में मार्क्स के बेसिस पे ही आपको एम में एडमिशन मिलते हैं चाहे वो डी का हो चाहे जे का हो चाहे जे का हो जामिया मिल्ह इस्लामिया का हो या फिर आपका बी एच यू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद या इंद्र यूनिवर्सिटी या वी आई टी या जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एम सी ए कराती हैं उन सब में एडमिशन के लिए इस पेपर में अपीयर होना होता है तो पार्ट वन इज ऑलरेडी बीन डन नाउ आई एम डूइंग पार्ट टू विद यू ओके एंड ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि यदि लेक्चर स्क्रिप्ट आपको चाहिए जो मैं लिखूंगा क्वेश्चन के आंसर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा एक पी डी एफ फॉर्मेट में लेक्चर स्क्रिप्ट आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर अपनी रिक्वेस्ट भेज के तो एडवांटेज क्या रहेगा क्वेश्चंस पे आपको मिलेंगे और साथ ही साथ जो मैं अब लिखूंगा आंसर्स वो भी सेव होके आपको मिल जाएंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं तो आगे जितने भी वीडियोज हैं जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं उन सबकी इंटीमेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल सकती है मिल जाएगी यदि आप नहीं कराते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी वीडियोस दे सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे आके भी जो भी फ्री एक्सेसिबल है आपको काफी सारी चीजें फ्री फ्रीली एक्सेसिबल है स्टूडेंट्स को अब उनमें देख सकते हैं चलिए पार्ट टू करते हैं पहला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का सिलोजिज्म इज द लॉजिक ऑफ साइंस जब मैं निमसेट के पेपर्स डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ तब भी मैंने इसके बारे में बताया था इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सी -E में जो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट बी है उसमें सिलोजिज्म स्पेशली मैंशनड है दे हैव दैट एज मैं टॉपिक ऑफ द डोमेन नॉलेज ओके okay, सो so मैं लिख देता हूं दैट इज सिलोचिसम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इसमें बच्चे बट इट समथिंग विच यू शुड नो ये आपके प्लेसमेंट के टाइम भी आपको हेल्प करता है आपने सुनी होंगी स्टेटमेंट जैसे हम कहते हैं ना ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट नो स्टूडेंट इज रिच सम स्टूडेंट्स आर रिच सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन स्टेटमेंट से जो हम इन्फेरेंसेज निकालते हैं दैट टुगेदर दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी कम अंडर द टॉपिक सिलोचिसम अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं तीन स्टेटमेंट्स दी हैं दो कंक्लूशन दिए हुए हैं और हमें बताना है मतलब, मतलब, अगेंस्ट नहीं क्रिएट करी जा सकती हो तब हम एक्सेप्ट करते हैं कि येस दैट कंक्लूशन इज ए वैलिड कंक्लूशन पहली एजाम्शन है नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस दूसरी है सम परफ्यूम्स आर डिओडरेंट्स और तीसरा ऑल डिओडरेंट्स आर कुल्स ओके, सो ऑल आर अब देखते हैं कंक्लूशन क्या है एटलीस्ट सम ऑफ़ द परफ्यूम्स आर कोलॉन्स नो फ्रेग्रेंस इज सी। सबसे पहले हम पहले वाले कंक्लूशन को देखने की कोशिश करते हैं ये कह रहे परफ्यूम्स आर डिओडरेंट एंड ऑल डिओडरेंट आर डिओज आर कोलॉन्स इसका मतलब वो परफ्यूम जो डिओडरेंट हैं वो हर हालत में कोलॉन्स है तो इसका मतलब कुछ तो परफ्यूम्स ऐसे जरूर हैं जो हैं तो तो पहला वाला ऑब्वियसली तो सही हो गया अब खुद देखिए इट्स सच ए लॉजिकल सीक्वेंसिंग ओके दूसरा वाला कह रहा है कुछ परफ्यूम कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स मेरे से लेक्चर में बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कुछ का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन माय इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट बट आई नो फॉर श्योर दैट देयर आर सम परफ्यूम्स विच आर डिओडरेंट्स इट इट मे बी पॉसिबल दैट ऑल परफ्यूम्स आर डिओडरेंट्स ठीक है ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसके अंदर बट अभी हमने कहा कि ठीक है कुछ परफ्यूम्स डियोडोरेंट हैं और जो भी डिओडरेंट्स हैं वो कोलॉन्स हैं तो इसका अंदर कुछ ना कुछ परफ्यूम्स तो ऐसे जरूर हैं जो कोलॉन्स हैं तो एटलीस्ट सम परफ्यूम्स आर कोलॉन्स तो पहली स्टेटमेंट सही हो गए अब दूसरी को देखते हैं नो इज डिओ नो इज डिओ आप नॉर्मली डिओ कहते हैं तो डिओ कह लेते हैं हम भी ओके नो फ्रेग्रेंसिस डिओडोरेंट और डी देखते हैं यदि इसकी एक भी कॉन्ट्राडिक्ट्री डायग्राम हम बना पाए या एक भी हम कॉन्ट्राडिक्ट्री लिंकेज यदि हम डेवलप कर पाए तब हम सेफली कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये कंक्लूशन गलत है देखते हैं फ्रेग्रेंस से शुरू करते हैं नो परफ्यूम इज ए फ्रेग्रेंस मीन्स नो फ्रेग्रेंस इज ए परफ्यूम यदि कोई परफ्यूम फ्रेग्रेंस नहीं है तो ऑब्वियस है कि कोई फ्रेग्रेंस भी परफ्यूम नहीं है तो यहां से मिला कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है कुछ परफ्यूम्स डिओड्रेंट है वगैरह कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है इसका मतलब फ्रेग्रेंस और परफ्यूम्स अलग अलग बन गए कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है मुझे रिलेट करना है फ्रेग्रेंस एंड डिओस को तो मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट को छोड़ सकता हूं इस केस में खाली पहली दो स्टेटमेंट को मैं डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि मेरे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रेग्रेंस एरा डिओ एरा परफ्यूम कॉमन है ओके नो परफ्यूम इज फ्रेग्रेंस तो मैंने अलग अलग बना दिया सम परफ्यूम्स आर डिओ बट वो कह रहा है सम परफ्यूम्स आर डिओ तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं सम परफ्यूम्स इसमें मुझे दिख रहा है कि नो फ्रेग्रेंस डिओ ठीक है ये डायग्राम इसे सपोर्ट कर रही है बट यदि एक डायग्राम सपोर्ट कर दे इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा सही होगा इसका मतलब वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसका मतलब हमें सपोर्टिव डायग्राम नहीं बनानी है हमें कॉन्ट्राडिक्टी डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है तो उसके लिए और मैं देखता हूं यदि हमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्टी डायग्राम मिल जाती है देन इट मीन एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है तो यदि मैं इस तरीके से बना दूं वो कह रहा है सम परफ्यूम्स आर डिओंट मैंने ऐसे बना दिया नो परफ्यूम इज अ फ्रेग्रेंस पहली स्टेटमेंट सही है सम परफ्यूम्स आर सम परफ्यूम्स आर डिओ ये भी सही हो गया अब वो कह रहा है नो फ्रेग्रेंस इज अ डीओ बट ये वाली फ्रेग्रेंस है जो डिओ है इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट कुछ सिचुएशन में सही होगी और कुछ सिचुएशन में गलत भी होगी और कोई चीज यदि एक भी सिचुएशन में गलत हो गई तो उसे हम हमेशा सही नहीं कहते हैं मतलब उसे हम गलत ही कहते हैं समझ आ गया सो इट मीन्स सेकेंड कंक्लूशन इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज राइट तो कौन सा आंसर जाएगा ओनली कंक्लूशन वन इज ट्रू कहीं भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए ये कह रहे हैं कोई भी फ्रेग्रेंस डी ओ होनी चाहिए यदि हम डायरेक्टली रिलेट करें यदि हम इन डायग्राम्स को छोड़ दें और डायरेक्टली समझने की कोशिश करें ये कह रहे हैं कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है बट कुछ परफ्यूम डीओ से तो वो फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम नहीं है वो फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम नहीं है कोई भी फ्रेग्रेंस परफ्यूम नहीं है बट बचा हुआ फ्रेग्रेंस जो भी पोर्शन है बट जितने भी परफ्यूम्स हो जाए कुछ परफ्यूम्स डियोड्रेंट्स हैं तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ फ्रेग्रेंस डिओड्रेंट्स हो हम ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी फ्रेग्रेंस डिओ नहीं होगा और वो हमने डायग्राम से भी बनाया था तो यदि हम खाली दो ना स्टेटमेंट्स को बोल के भी करते हैं तब भी हम सेकेंड कंक्लूजन को इन्फर नहीं कर पा रहे और हमेशा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक सिलोजिज्म में क्या करता है और बहुत सारे टीचर्स भी इसी तरीके से उन्हें बताते हैं वो एक ऐसी डायग्राम बना लेता है जो सपोर्ट करता है आप सिंपल सर लीजिए आप मैथमेटिक्स में आपने कोई थ्योरम करी आप थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो आप पूरा का पूरा प्रूफ लिखते हैं आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से थ्योरम को कभी भी प्रूफ या जस्टिफाई नहीं करते हैं बट यदि आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो उस थ्योरम के अगेंस्ट जा रहा होता है तो हम कह देते हैं हमारी थ्योरम कॉन्ट्राडिक्ट हो गई एंड एनहेंस इट इज नॉट ए वैलिड रिजल्ट इसका मतलब खाली एक एग्जाम्पल खाली एक सिचुएशन खाली एक ड्रॉइंग यदि हमें ऐसे मिल जाए जो हमारे किसी कंक्लूशन के अगेंस्ट जा रही है तो इसका मतलब हम वो चीज कंक्लूड नहीं कर सकते दैट कंक्लूशन इज रॉन्ग

रीड दमेशन के क्वेश्चन फॉर ब्लड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हर जगह क्वेश्चन आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या किसी भी प्लेसमेंट में जब आप एमसीए के बाद प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तब भी इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको पूछे जाएंगे बिकॉज ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन इन क्वेश्चंस के थ्रू हम ये टेस्टिंग कर पाते हैं कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है कॉन्सेप्ट और कितनी जल्दी आप रिलेशन को समझ पाते हैं आप कंप्यूटर्स में तो सारा पढ़ते हैं है, आप, है, हम रिलेशनल डेटा बेस है चीजें आपस में रिलेटेड हैं यदि हम उन रिलेशन को समझ पा रहे हैं तभी हम फिट है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं ए इज द सन ऑफ बी एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं बिना किसी डायग्राम के फिर एक फैमिली ट्री भी बना के देख लेंगे ए इज द सन ऑफ बी वट दे वॉन्ट उनको निकालना है ई e और एफ का रिलेशन e और f का रिलेशन निकालना है ओके बी सिस्टर हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई इसका मतलब डी एंड ई आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हैं और एफ मैटरनल अंकल है डी का और यदि ये मैटरनल अंकल है डी का तो ये मैटरनल लंगल मामा मतलब ई e का भी है क्योंकि डी और ई भाई बहन है यदि डी लिखा ना यहां पे हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ई इसका मतलब ई डी की सिस्टर डी एंड ई भाई बहन है और जो डी का मामा होगा वो ई e का भी मामा होगा बट क्योंकि ई e गर्ल है तो इसलिए नेफ्यू नहीं नीस कहा जाएगा तो इसका मतलब ई e कैसे रिलेटेड है F से ऑफ सच एन थिंग बट अदरवाइज यदि फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं बनाना आपको सिखा देता हूं सन ऑफ बी नॉर्मली हम सिंबल्स क्या यूज करते हैं सर्कल में हम यूज करते हैं फीमेल के लिए स्कोर हम यूज करते हैं मेल के लिए इस तरह का हम यूज करते हैं मैरिड कपल के लिए ये वर्टिकल लाइन हम यूज करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए और ये हम यूज करते हैं सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन सिबलिंग्स भाई बहन ये नेक्स्ट जनरेशन ये कपल मैरिड कपल ये मेल और ये फीमेल नॉर्मली हम ये सिंबल्स यूज करते हैं बट आप अपनी चॉइस भी ले सकते हैं तो यहां पे ए इज द सन ऑफ बी बी मैंने लिया ए सन है ए बन गया ए इज द सन ऑफ बी बी का सेक्स नहीं बता बी इज ए मेल और ए फीमेल तो इसलिए मैंने बी पे कोई सर्कलिंग नहीं करी सी बी सिस्टर सी बी की सिस्टर है क्योंकि सी सिस्टर है तो इसलिए हमने सर्कल में बना दिया हैज़ ए सन डी ये सब सेम जनरेशन के हैज ए सन डी डॉटर ई e. और ये दोनों सिबलिंग्स हैं कनेक्ट हो गए एफ इज दनल अंकल ऑफ डी मामा है तो मतलब एफ सी का भाई है ये फैमिली ट्री बन गया ऑल्दो इस क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी एविडेंटली हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन को बट यदि दी ट्री बनाना भी हो दे दिस इज द फैमिली ट्री बी का सेक्स हमें नहीं पता है जेंडर नहीं पता है मेल है फीमेल है इसलिए हमने उसे सर्कलिंग नहीं करी अब अब यहां पे देखिए हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ ई की मदर सी एस ई का भाई एफ है इसका मतलब एफ ई e का मामा है इसका मतलब ई e एफ की भांजी है इसका मतलब ई e एफ का नीस है सो दैट इज हाउ यू सॉल्व सच ओके देन कम्स नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर कर एक्स इज एम्बेडेड इन विच वन ऑफ दिच वन ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव एक फिगर दी हुई है और किस में एम्बेड हो पाएगी एम्बेडिड करते हैं एक नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सी का जो नॉर्मली निमसेट में नहीं आता निमसेट में बहुत कम आते हैं इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम्स हैं फिगर्स हैं ओके मैचिंग ऑफ फिगर्स है एनोलॉग ऑफ सिचुएशनस डायग्राम्स के सेंस में इनकम्प्लीट सीरीज है डायग्राम्स के सेंस में तो वो नॉर्मली सी में काफ़ी आते हैं और सी में मैंशन भी है मैथमेटिक्स के सिलेबस में लाइक ज्योमेट्रिकल फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर फिगर्स मिसिंग टर्म्स काउंटिंग ऑफ फिगर्स वो सब है इसलिए इम्पॉटेंट है सी यू टी के लिए तो ये सेगमेंट हम ये सेक्शन हम कवर करते हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी क्लासेज में भी अपने कोर्सेज में भी और अपने जो टेस्ट सीरीज के टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें भी डिस्कस करते हैं और टेस्ट सीरीज में इसके भी एक्जाम्पल्स हम काफ़ी डालते हैं क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्पल्स आते हैं कॉम्प्रीहसिव टेस्ट सीरीज है हमारी सारे कोर्सेज तो कोर्स क्रैश कोर्स भी कॉम्प्रेसिव है बट जो टेस्ट सीरीज भी जैसे सुबह कहीं से भी पढ़ रहे हैं बट टेस्टिंग इज द प्राइमरी थिंग विच द सिलेक्शन टेस्टिंग एंड उन टेस्ट के सोल्यूशन हाउ टू सॉल्व सोल्व टेस्ट और सब रियल लाइफ टेस्ट होते हैं उसी सिचुएशन में कंडक्ट करा जाता है कि दो घंटे का टेस्ट है तो दो घंटे के अंदर आपको रिस्पॉसिस देने हैं अदरवाइज पोर्टल आपके फॉर्मेट रखा जाता है उसी तरह की, रखी हैं आपको जो की होती है वही इंस्ट्रक्शंस हमारे वाली टेस्टिंग में होती है जिससे आपको बिल्कुल सिमुलेशन मिले उस सिचुएशन की और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज सीरीज हमारे सारे कोर्सेज का पार्ट है और जो लोग हमारे यहाँ से नहीं भी पढ़ रहे दिल्ली से बाहर रहते हैं दूर रहते हैं नहीं आ पाते हैं बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो खाली टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं देट वी ऑल्सो दे बिकम अवर स्टूडेंट ओके और वो सारे बेनिफिट्स जो और स्टूडेंट्स को मिलते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को वो टेस्ट सीरीज़ वालों को भी मिलते हैं वो एट ईज वालों को भी मिलते हैं बहुत सारे टाइप के कोर्स हैं लाइटनिंग कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स है रेगुलर कोर्स है लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है ओके फॉर एम सी एंट्रेंसिस निमसेट एज वेल एज सी यू ई टी तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए अब एम्बेडिड का मतलब है बहुत इजी तरीका आपको खाली देखना है कि ये किस में फिट हो सकता है सबसे पहले वैसे तो डायरेक्टली आंसर दिखाई दे रहा है बट यदि हम ढंग से सीखना चाहें ये वाली लाइन लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए इसमें लेफ्ट पे लाइन नहीं है इसमें लेफ्ट पे लाइन नहीं है इसमें लेफ्ट पे लाइन है इसमें लेफ्ट में लाइन है तो दो लाइन दो चॉइसज तो खत्म हो गई ये वाली लाइन चाहिए ना एक वर्टिकल एक हॉरिजोंटल और एक ये पैरल अब खुद देखिए यहां पे ये स्लॉटिंग जा रही है ऐसे बट यहां पे ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल सो ऑब्वियसली इज द आंसर तो यदि हम ढंग से करेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाएंगे बट 99 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज नॉन वर्बल रीजनिंग प्रॉब्लम्स अब बहुत कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आती है बट इट इज इस वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल प्लेसमेंट्स में भी अभी पिछले सालों के प्लेसमेंट पेपर्स उठा के देखेंगे नेट पे अवेलेबल होते हैं एमसीए करने के बाद किसी भी बड़ी कंपनी के आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन उसमें होते हैं सो दैट वॉज क्वेश्चन अनदर वन चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पांच लेटर्स ऑफ ग्रुप ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए हुए और हमें बताना है इनमें से कौन डिफरेंट है और ओके मुकाबले तो खाली यू हैव हैस्ट लुक एट दिस एंड टू सी उट बहुत आसान तरीका होता है यदि आपकी रिफ्लेक्सार्प हो जाए और वो आपको शार्प करने है मैं बार बार अपने में, में स्ट्रेस देता हूं पे। अब जैसे आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं आप बेख्याली में भी हैं बट आपके रिफ्लेक्सेज इतने शार्प होते हैं कि यदि कोई ट्रक आ रहा है तो आपके रिफ्लेक्स आपको अलार्म देते हैं आपको अलर्ट करते हैं और आप अपने आप को सेव करते हैं और मोबाइल जिनके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं कई बार आप सुनते हैं कि मोबाइल कान में लगा हुआ था ईयरफोन और कोई रेलवे ट्रैक पे आ गया रेलवे से एक्सीडेंट हो गया उसका बिकॉज द रिफ्लेक्सेज और नॉट दो शार्प यू नो तो आपके रिफ्लेक्सेस आपको अलर्ट देते हैं आप कभी भी ऐसे नहीं है ना किसी ट्रेन के आगे आ जाएंगे बस के आगे आ जाएंगे ट्रक के आ जाएंगे आपका सिस्टम है बॉडी का मैकेनिज्म है आपका ब्रेन फंक्शन करता है आपके रिफ्लेक्सेज आपको अलर्ट देते हैं द सेम अलर्ट और अलार्म आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए आपके ब्रेन को कि आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें आपको मिस्टेक से रोके और आपको राइट right आंसर की तरफ फोकस करवाए मतलब फोकसिंग तो है आप देखिए मुझे दिख रहा है यहां ओ है यार, या यू है या ए है, या आई है वोवेल्स बट यहां पे मुझे कोई भी वोवेल नहीं दिखाई दे रहा नो no वोवेल तो वीकनेस तो मुझे पता चल गई मुझे ज्यादा देखने की जरूरत ही क्या कि इसमें क्या है क्या नहीं है ए -E पांच वोवेल्स होते हैं और सारे कंसोनेंट्स होते हैं इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स में पे मुझे लिखाई, दिखाई दे रहे हैं मेरे रिफ्लेक्सेस इमीडिएटलीक्सलो वोवल हेयर सो इट इज मैन आउट सो आंसर एफ क्यू एम सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऊपर डेट भी दे रखी है कभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में

फॉर्मुलेट कर देते हैं उसी तरीके से बना देते हैं तो लॉजिक और कॉम लॉजिक आपको हेल्प करता है यदि आपको आइडिया लग जाए किसम्शन पे क्या होगा विदाउट द द बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्ट तब आप मैथ्स भी बड़े आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का यहां पे देखते हैं और जैसे सी तो में जनरल अवेयरनेस भी एक पार्ट है तो कई बार वो लॉजिक में थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस भी डाल देते हैं हम सब लोग इंडियन है हमें हिस्ट्री पता है नहीं तो हम गेस्ट तो कर ही सकते हैं यदि याद नहीं भी है हमसे कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि कौन सी वॉर किस समय हुई थी हो सकता है हमें वो ईयर याद ना हो हिस्ट्री से बट हमें बेसिक मराठास और ये सब जो लिखा हुआ है वो तो हमें पता ही था एसर्शन है मराठास इमर्स्ड एज द स्ट्रांगेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ऑब्वियसली मुगल एम्पायर के बाद मराठास इमर्ज करे थे एज ए स्ट्रोंगेस्ट एज ए स्ट्रांग रीजनल पावर एज ए स्ट्रोंगेस्ट नेटिव पावर नेटिव मतलब इन ए पर्टिकुलर लोकैलिटी नॉट

कि वो मराठा मतलब महाराष्ट्र में थे थोड़ा सा आसपास के एरियाज़ में वो लोग एक्सपेंड करना चाहते थे बट कोई भी किसी के पास भी वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक ही इंडिया होना चाहिए एक यूनाइटेड इंडियन नेशन होना चाहिए दैट इज जस्ट ए कॉमन सेंस आप चाहे इसे जनरल अवेयरनेस बोलिए चाहे आप एक जनरल पढ़ा लिखा आदमी को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए वो कहिए तो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं ये आइडिया जो यूनाइटेड इंडियन नेशन एक ही इंडियन नेशन हो ये कॉन्सेप्ट तो रिलेटिवली मॉडर्न है तो ये कॉन्सेप्ट तो मराठास के टाइम नहीं था इसका मतलब असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है तो असरशन तो सही है बट रीजन गलत है सो थर्ड इज द राइट चॉइस ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट ठीक है ना आप इसे चाहे जीके का प्रॉब्लम बोलिए चाहे आप इसे लॉजिक का प्रॉब्लम बोलिए बट स्टेटमेंट एजर्शन स्टेटमेंट कंक्लूशन ऑल वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू मे फाइंड इन योर अपकमिंग सी यू टी एग्जामिनेशन फिक्र मत कीजिए हम आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कराते हैं पूरी तरीके से ठीक है तो ये था पार्ट टू इसके बाद बच जाता है पार्ट थ्री सो ऑल द बेस्ट सी यू सोन